लगातार कई दिनों से फेसबुक डेटा लीक बहस के बाद अब ये तो साफ हो गया कि फेसबुक के करोड़ों यूजर्स का डेटा गलत तरीके से यूज किया गया है। अब इसके लिए भले ही फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका को भरोसा तोड़ने के लिए जिम्मेदार ठहराए, लेकिन सच तो यही है कि यह फेसबुक की ही गलती की वजह से हुआ है। हालांकि इस बात को कहीं न कहीं फेसबुक सीईओ जकरबर्ग खुद भी मानते हैं। भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए फेसबुक सीईओ जकरबर्ग ने कुछ महत्वपूर्ण कदमों के बारे में बताया है। सबसे पहले फेसबुक एक ऐसा टूल लाएगा जिससे यूजर ये जान पाएंगे कि उनके डेटा का गलत इस्तेमाल हुआ है या नहीं। फेसबुक उन सभी एप्स की जांच करेगा जो 2014 सेकंड पहले लोगों से ज्यादा डेटा इकट्ठे करते थे, क्योंकि 2014 में कंपनी ने ऐप द्वारा किए जाने वाले डेटा एक्सेस को कम किया था। इसके लिए फेसबुक ने कहा है कि किसी भी ऐप जिस पर शक होगा उसका फुल ऑडिट किया जाएगा और उन्हें बैन भी किया जाएगा। फेसबुक ने कहा है कि कंपनी अब उन लोगों को उन एप्स के बारे में बताएगी जिन्होंने उनके डेटा का गलत इस्तेमाल किया है। अब फेसबुक वैसे एप्स को हटाता है जो यूजर डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसी हालत में वो सभी यूजर्स को इसकी जानकारी देगा। अगर किसी ने पिछले 3 महीने से फेसबुक पर किसी ऐप का इस्तेमाल नहीं किया है उसका एक्सेस खत्म किया जाएगा ताकि जानकारी उसके साथ शेयर न हो सके। फेसबुक लॉगिन में बदलाव हो रहा है ताकि अगले वर्जन में एप्स बिना रिव्यू के यूजर्स से ज्यादा डेटा की मांग ही न कर सके। इसमें यूजर नेम, प्रोफाइल फोटो और ईमेल एड्रेस शामिल है। इसके अलावा दूसरे डेटा के लिए उन एप्स को फेसबुक के अप्रूवल की जरूरत होगी। हम अभी भी लोगों को यह दिखाते हैं कि उनके अकाउंट से कितने एप्स कनेक्टेड हैं और यूजर्स ने जिन जानकारियों को उन एप्स के साथ शेयर किया है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब इसे हम पहले से आसान और बेहतर बनाएंगे।